हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने स्पीड पोस्ट की वीडियो डाल दी है, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। आप यही फॉलो करिए, बस अपना फर्स्ट लाइन जो है ऊपर अबव लिखना है, वो अपनी चेंज कर लेना, जो कि रिसेंट वाली है वो डाल देना, बाकी सारी सेम ही है, प्रोसीजर सब सेम है। जसप्रीत सिंह कह रहा है कि मैम 2020 बैच ले स्पीड पोस्ट दी वीडियो बना दो। बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ, बट सेम ही है जो मैंने वीडियो डाली है ना, आज मैंने शेयर करी है, वही है, सेम है, वो फॉलो कर सकते हो आप, वैसे ही फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रिंस बोल रहा है कि मैम आज पेपर चेक किया तो पता चला कि एक पेपर में सब्जेक्ट कोड गलत हो गया। कोई बात नहीं, इससे प्रिंस कोई इशू नहीं होगा। पवन कह रहा है कि नमस्ते मैडम जी, मेरा क्वेश्चन है कि आंसर शीट वेरीफाई ना करिए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ज़रूरी है मैम मैडम आंसर शीट वेरीफाई करनी? यस डियर, ज़रूरी होता है। आप आंसर शीट को वेरीफाई लास्ट डे पे भी कर सकते हो एग्ज़ाम्स के, कोई इशू नहीं होता उससे, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। करण कह रहा है कि हेलो मैम, मैं फर्स्ट पे सिग्नेचर नहीं किए तो उसमें तो मैंने पेपर बिना सिग्नेचर के अपलोड कर दिया, अगर अब आंसर शीट पर सिग्नेचर करूं तो यूएमसी तो नहीं बनेगी? डियर यस, अब आप आंसर शीट पे कुछ भी मत करना, बस अपने स्टूडेंट क्वेरी में डाल दो कि आपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, ठीक है। मैम सिग्नेचर सारी शीट्स पे करने होते हैं? नो, ओनली फर्स्ट शीट पे करने होते हैं। मैम एक प्रॉब्लम है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का पेपर हो रहा है, लेकिन जिसमें सबसे पेपर सेकंड सेमेस्टर में ये डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो मैम, हमने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन, बिकॉज कॉलेज अभी तक ओपन नहीं? कॉलेज तो ओपन हो गए हैं मैम, कॉलेज कब तक ओपन? अभी तो कॉलेज ओपन हो गए हैं बच्चे। मैम कॉलेज कब से ओपन हमारे? अच्छा मोहाली में नहीं बच्चे, मैंने पता, वैसे बाकी तो कॉलेज हो चुके हैं, अमृतसर में भी हो चुके हैं और जलंधर में भी काफ़ी कॉलेजेस हो चुके हैं ओपन। मैं गलती नाल दो एग्ज़ाम बिच सारियां शीट्स से कर देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी मैम। जो अभी पेपर हुए हैं उनका रिजल्ट कब आएगा? सितंबर में आ जाएगा। सचिन कह रहा है कि मैम अगर पेपर 15 मिनट लेट अपलोड हो तो नहीं, कोई इशू नहीं होता। रिजल्ट कब आएगा? 16 जुलाई का पेपर हुआ था, सितंबर में आ जाएगा। मनीषा कह रही है कि मैम स्पीड पोस्ट करने के लिए इनवेल्प में हमें अपना रियल एड्रेस लिखना है, लेकिन हमें स्पीड पोस्ट किसी और से स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं? येस ऑफकोर्स, आप किसी से भी करवा सकते हो, एड्रेस आपने सिमिलर लिखना है, अपना लिखना है, ठीक है। पंकज कह रहे हैं हेलो मैम, मैम जो आंसर शीट अपलोड करने का 1 आवर का टाइम होता है तो उसमें 1 आवर के बाद आंसर शीट अपलोड करने का ऑप्शन क्यों शो होता है? मैम बता सकते हो, वो ऐसे ही शो होता है, कईयों के टेक्निकल इशू होता है, इस वजह से पीटीयू ने सेम डे मेल करने का, मतलब अपलोड करने का चांस रखा है, वो तो शो होगा ही बच्चे। नेक्स्ट मैम डक खाने वालों को का डैक खाने डक खाने वालों का बिहेवियर रूड है, बहुत नखरे करते हैं। कौन डक खाने वालों का कौन? क्या बोल रहे हो गिल? मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। धक्के खाने वालों का बिहेवियर रूड है, बहुत नखरे करते हैं। कौन नखरे करता है? मेरे को बात नहीं समझ आई गिल आपकी। जसप्रीत कह रहा है कि मैम पीटीयू ने मेल करके पूछा कर दो कॉलेज बच्चे। पीटीयू ने कुछ नहीं बोला है, बट कॉलेज ओपन हो चुके हैं अपने बिहाफ पे, कॉलेज ओपन हो चुके हैं क्योंकि कैप्टन जी ने बोला था कि कॉलेज स्कूल ओपन कर दे, तो उसके साथ ही कॉलेज भी ओपन हो गए हैं। करण कह रहा है कि मैम स्पीड पोस्ट रिसिप्ट कितने कब होनी चाहिए? मैम कहाँ अपलोड करनी है? मैंने शीट लेट अपलोड हुई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैम शीट अपलोड कर भी दी है सारी, मेल भी, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसिप्ट जो अपलोड करनी है वो आपकी आईडी पे शो होगा, जब आप स्पीड पोस्ट कर दोगे तो वहीं पे ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने रिसिप्ट भी अपलोड करनी है। मैम कॉलेज ओपनिंग की कोई डेट नहीं है फिक्स? बच्चे ओपन हो चुके हैं कॉलेज, हाँ हो चुके हैं।
हेलो डियर बिंदु मैम, नवंबर 2020 एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा? बच्चे रिजल्ट नवंबर 2020 का रिजल्ट आपका नवंबर 2020 का रिजल्ट आपका सितंबर अक्टूबर सितंबर तक आ जाएगा, सारा रिजल्ट आ जाएंगे। लाइक मैम 1 2 3 4 5 की जगह 4 3 5 हो गया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं मॉक टेस्ट की आंसर शीट भी स्पीड पोस्ट कर दी। हाँ जी कर दो साथ में। मैम मेरे एक पेपर में डाउट है, तो वेरीफाई करने के टाइम पे ऑप्शन वाली करी थी तो कोई रिप्लाई नहीं आया, उस पर पोस्ट कर दी स्पीड पोस्ट, तो पोस्ट कर दी, कोई बात तो नहीं, नहीं कोई बात नहीं है। हेलो मैम, जो ओबी मोड ओबी एग्ज़ाम हो रहे हैं बैच के, जैसे हमने मॉक टेस्ट के लिए फर्स्ट शीट बनाए हैं वैसे ही बनानी है? यस नो, मॉक टेस्ट जो है आपका उसके लिए वो नहीं बनानी, आंसर शीट फॉर्मेट की मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लीजिए। मैम आप कॉलेज बंद नहीं होगे ना? बड़ी दूर से कॉलेज आ रहे हैं। हाँ जी नहीं होंगे राहुल। मैम रिवॉल्यूशन का रिजल्ट कैसे देखें? वही अपनी आईडी से लॉगिन करके। मैम कॉलेज रीओपन, बच्चे हो गए हैं काफ़ी सारे हो गए हैं। मैम आपके सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करके पेपर किया, पासिंग मार्क्स कितना है? अगर स्पीड पोस्ट नहीं करेगा तो पास हो जाऊँगा? नहीं बच्चे स्पीड पोस्ट करो, क्यों नहीं करना है। और पासिंग मार्क्स 50% ही होते हैं, बहुत इजी होता है पास होना। डियर मैम आज मैंने इवनिंग एग्ज़ाम इवनिंग टाइम में एग्ज़ाम था तो आंसर शीट 431 पे अपलोड की, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, मेरी शीट एक मिनट लेट अपलोड हुई तो कोई जीमेल विद द रीज़न की नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है पंकज। मैम 2018 बैच वालों का रिजल्ट सितंबर तक आ जाएगा सारा रिजल्ट। मैम मैंने ब्लू पेन से यूज़ किया, इंस्ट्रक्शन में ब्लैक पेन लिखा है तो नहीं, इतना इशू नहीं होता। मैम रिपेयर वाला इन्वेल्प पर क्या लिखना है? इन्वेल्प पे भी रिपेयर ही लिखना है जिस सेमेस्टर की है, बाकी से भी। मैम रीड केयरफुली प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट, जैसे हमने करंट सेमेस्टर सेकेंड है बट इन्वेल्प एक ही यूज़ करना है। आपने बोला कि रेगुलर रिपेयर के फिर करंट सेमेस्टर दो हैं, लेकिन रिपेयर का फर्स्ट सेमेस्टर है तो हम इन्वेल्प में सब कैसे मेंशन करें, ये कन्फ्यूज़न है। ओके बच्चे मैं बताती हूँ, एक ही बात बताती हूँ क्या करना है। जैसे आप सेमेस्टर लिखते हो ना, ये सेमेस्टर है ना, सेमेस्टर यहाँ पे लिखोगे आप रेगुलर, रेगुलर ब्रैकेट में डाल के फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर है ब्रैकेट क्लोज, साथ में लिख दोगे रिपेयर, ठीक है, जो भी सेमेस्टर की आपकी रिपेयर है वो लिख दोगे रिपेयर ब्रैकेट में डाल के, बस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ऐसे करना है। प्रवीण कह रहा है कि मैम रिपेयर एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा? अभी जुलाई में, जो सितंबर में आ जाएगा। सेवन सेमेस्टर का सिलेबस कहाँ मिलेगा? PTU ID पे मिलेगा बच्चे, PTU ID पे, PTUexam.com पे खोलोगे तो सिलेबस भी ऐसे लिखोगे ना, सेवन सेमेस्टर बैच 18 PTU सिलेबस तो निकल आएगा। मैम आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, सिर्फ आपकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप बहुत हेल्प करते हो, घोड़ा आपको आपकी उम्र लंबी करे। अरे मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, मुझे जितनी उम्र है उतनी अच्छे से चाहिए, बस मेरी हेल्थ ठीक रहे। थैंक यू गिल। मैम आज मेरा रेगुलर के लास्ट एग्ज़ाम है, रिपेयर का एग्ज़ाम 25 को, तो रेगुलर के पेपर स्पीड पोस्ट करूं जा आज या 25 को, बच्चे 25 को सारे इकट्ठे करने हैं। मैम रेगुलर रिपेयर, हाँ जी रेगुलर रिपेयर दोनों एक साथ करने हैं। स्पीड पोस्ट कितने दिन में पहुंच जाते हैं? 5 to 7 डेज में पहुंच जाती है। मैम टू एनवेल्प यूज़ कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कर सकते हैं, कंबाइन कर देना बस। मैम जितनी रिपेयर हैं वो लिखे इन्वेल्प में टॉप पे, एग्जामिनेशन अप्रैल 2021, हाँ जी बैच 2020, यस रेगुलर एंड रिपेयर, यस इंस्ट्रक्शन में ये नहीं बोला, नहीं बच्चे ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मैम बीटेक रिपेयर का रिजल्ट कब आएगा? अगस्त जुलाई 2020 में ख़त्म हुए हैं, सितंबर में आएगा। हेलो मैम एग्ज़ाम एंडेड ऑन 13th of August, आई हैव नॉट रिपीट पोस्ट, बच्चे अब कर दो, कोई इशू नहीं होगा। हाँ जी CSE फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल कितने मार्क्स का होता है? BSC CSE फर्स्ट सेमेस्टर टोटल कितने मार्क्स का होता है बच्चे? मेरे को अभी तो फ़िलहाल याद नहीं है,
आपके कोर्स वर्क से वहाँ से सिलेबस से ही पता चल जाता है सारा कुछ। थैंक यू सो मच मैम, ओनली बिकॉज ऑफ यू माई एग्ज़ाम कम्प्लीटेड वेरी स्मूथली, आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम फ्रॉम डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर टू अपलोडिंग पोस्टल रिसिप्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू आर्श, मे गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। गुड नाइट स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।